तो यू कैन अर्न यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में आपको अपडेट करने जा रहा हूं बैंकिंग सखी बहनों के बारे में एक बहुत बड़े अपडेट को लेकर। दोस्तों इतना ही नहीं, आने वाले समय में क्या कुछ बीसी सखी बहनों के बारे में हो सकता है, इस चीज़ को भी हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। और इतना ही नहीं, बीसी सखी बहनों कि जैसे ही मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार से मुलाकात हुई उसके बाद अधिकारियों में हलचल मच गई है। यानी कि अधिकारियों ने तत्काल बैठक बुलाई है और बीसी सखी बहनों को जो भी आदेश पहले दिए गए थे उस आदेश को कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया गया है। निवेदन करता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आपको मैं बता दूँ कि अपने इस चैनल पर मैं एक वीडियो बनाया था जिस वीडियो में झांसी के फिनो पेमेंट्स बैंक के अधिकारियों के द्वारा एक मीटिंग बुलाई गई। वहां के जितने भी बीसी सखी बहनें हैं जो फिनो पेमेंट बैंक के पार्टनर एजेंसी से जुड़ी हुई हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर दी गई थी। उस वीडियो में आपको बताया था किस तरीके से आपको अब सरकार मनरेगा कर्मियों के मानदेय भुगतान के लिए जो एक शासनादेश जारी किया था उस शासनादेश को अब कड़ाई से पालन करने को कहा जा रहा है। इतना ही नहीं, एक दूसरा नोटिस जारी करके भी उत्तर प्रदेश सरकार ने स्पष्ट तौर पर दिशा निर्देश जारी कर दिया है कि जल्दी से जल्दी बीसी सखी बहनों को इस काम पर लगाया जाए। क्योंकि दोस्तों आपको पता है आजीविका चलाना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। और इतना ही नहीं, बीसी सखी बहनें जब तक 4,000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से मानदेय पाती थी यानी कि 6 महीने तक पाई थी, अब वो सिर्फ कमीशन बेसिस पे काम कर रही हैं। और इसी बीच जो खबर निकल के सामने आई थी जिसमें CSC यानी जनसेवा केंद्र की ID भी अब ग्राम पंचायत सहायक चलाएंगे, स्पष्ट तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट की बैठक में मुहर लग चुकी है। तो बीसी सखी बहनों काफी घबराई हुई है, अफरा तफरी मची हुई है। इसी बीच उत्तर प्रदेश सरकार ने बहुत बड़ा दिशा निर्देश जारी किया जो पहले का शासनादेश था, जिस शासनादेश में लिखा था बीसी सखी बहनें अब मनरेगा कर्मियों के मानदेय का भुगतान करेंगी। अगर वहां उनको वहां पे कहीं कोई समस्या आती है तो मनरेगा महिला मिट की सहायता ले सकती हैं। दोस्तों इसी को लेकर बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि बीसी सखी बहनों से मिलने के बाद मुख्यमंत्री जी ने आदेश भेज दिया है और अधिकारियों में हलचल मच चुकी है। अधिकारियों ने तत्काल बीसी सखी बहनों की बैठक बुलाई है और ये जो न्यूज़ दे रहा हूँ आपको फिनो पेमेंट्स बैंक झांसी की न्यूज़ है। इतना ही नहीं दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सभी ज़िलों में जल्द से जल्द आपको आमूलचूल परिवर्तन देखने को मिल सकता है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश सरकार ने बीसी सखी बहनों को एक बहुत बड़ा काम देने जा रहे हैं जिस चीज़ को हम लोग एक और वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं किस तरीके से बीसी सखी बहनों के लिए तत्काल इस नए शासनादेश को लेके काफ़ी हलचल मची हुई है। इतना ही नहीं दोस्तों, आने वाले समय में कई ऐसी योजनाएं हैं जो बीसी सखी बहनों को प्रत्यक्ष तौर पर दिया जाएगा और ताकि बीसी सखी बहनें अपनी आजीविका चला सकें। क्योंकि एक बीसी सखी बहन जब प्रशिक्षण लेती है, IIBF एग्ज़ाम क्वालिफाई करती है, तभी उनके स्किल्स उनके गुण का अंदाज़ा लगा लिया जाता है। इतना ही नहीं, जब आप एक बैंकिंग कस्टमर सखी बन जाती हैं, आपको बैंक के सभी उत्पाद बैंक की सभी जानकारी हो जाती है तो आप अपने आप बड़े अच्छे खासी कमाई कर सकते हैं अगर आप बैंक के अधिकारियों से आपकी अच्छी पकड़ है तो। जैसे कि इंश्योरेंस बेचना, बीमा बेचना, NSE करना, FD करना या सरकारी योजनाओं का बैंकों से जो संचालन होता है उसमें अपनी भागीदारी दिखाना। तो दोस्तों इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखिए, अगर आप चाहें तो एक बीसी सखी बनकर भी जितना आप सरकार द्वारा दिए गए मानदेय या कमीशन से नहीं कमाएंगी उससे ज़्यादा आप इंश्योरेंस, बीमा या फिर लोन दिलवाकर कमा सकती हैं। निवेदन करता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हैं, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाइए ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।